जम्मू में शराब की नई दुकानें खोलने के प्रशासन के निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू कश्मीर ने एग्जीबिशन ग्राउंड के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जम्मू को शराब का अड्डा नहीं बनने देंगे, नशे का कारोबार यहां फैलने नहीं दिया जाएगा। जम्मू मेंदरों का शहर है, इसकी मर्यादा को बनाए रखा जाएगा। उन्होंने सरकार से नई दुकानें खोलने के आदेश को वापस लेने की मांग की। दक्षिणी कश्मीर के जिला शोपिया के रावलपुरा में पिछले 3 दिनों से जारी मुठभेड़ में आखिरकार जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर विलायत लोन उर्फ सज्जाद अफगानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि रावलपुरा में 72 घंटों से भी अधिक समय से जारी इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर की प्रस्तावित एक्साइज पॉलिसी 2021 के विरोध में शराब विक्रेताओं ने एक्साइज डिपार्टमेंट के कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जिला जम्मू के अलावा अन्य जिलों से भी आए विक्रेताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। शराब विक्रेता एक्साइज पॉलिसी 2021 को खारिज करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने अपनी इस मांग के समर्थन में विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आत्मनिर्भर बनने की राह पर कदम ताल कर रहा जम्मू नगर निगम अब उन लोगों पर लगाम कसने जा रहा है जिन्होंने निगम की संपत्तियों को आगे बेच रखा है। निगम अपने सभी क्वार्टर्स और दुकानों की जांच में जुट गया है। सिर्फ वास्तविक व जायज लॉटियों को ही अब उसमें रहने की अनुमति होगी, शेष को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा के बांगीपुरा सुंबल में एनआईए ने छापा मारा। एनआईए ने शौकत पर्रे को पहले एनआईए द्वारा नार्को आतंकवादी अधिनियम में भी गिरफ्तार किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए फिलहाल उसकी संपत्ति और सामान की जांच कर रहा है। जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर पीएचई आईटीआई ट्रेंड कैजुअल और डेली वेजर्स द्वारा बड़ी तादाद में प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में लैंड डोनर्स एसोसिएशन ने भी संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि हमें रेगुलराइज किया जाए, यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उनकी पेंडिंग वेजेस को रिलीज किया जाए। पिछले साल कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के चलते बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने से वंचित रह गए श्रद्धालु इस बार जब यात्रा पर आएंगे तो यात्रा मार्ग पर सुविधाएं पाकर गदगद हो उठेंगे। यात्रा को आसान करने के लिए श्रद्धालुओं का खास ध्यान रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन यात्रा को यादगार बनाने में जुटा है। स्वास्थ्य, संचार और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लंगर में भी और अधिक अच्छे प्रबंध होंगे। पहली बार बैटरी कार की फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था कर बाबा बर्फानी और श्रद्धालुओं के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आज से 2 दिनों की बैंक की हड़ताल है, पर इसका उन दूर दराज के पहाड़ी इलाकों के लोगों पर बुरा असर पड़ा है। जिला पुंछ में भी सेंट्रल बैंक के हड़ताल का असर देखने को मिला। लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। दूर दराज से काफी लंबा रास्ता तय कर बैंक पहुंचे लोगों ने कहा कि हमें हड़ताल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। कोरोना महामारी के दौरान बंद पड़े स्कूल धीरे धीरे खुल चुके हैं। इस दौरान कोरोना की वजह से अधिकांश स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, मगर कई विद्यालयों में ऑफलाइन एग्जाम्स लेने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी को लेकर छात्रों द्वारा रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर बीच सड़क पर बैठकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि हमारे सारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, अब 2 दिन क्लासेस लगने के बाद स्कूल प्रबंधन ऑफलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं। छात्रों ने कहा कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है, सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाए। जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदेश महिला कांग्रेस की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर थालियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ा रही है, इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। महंगाई की वजह से जनता की कमर टूट गई है। मोदी सरकार टैक्स पर टैक्स लगाई जा रही है। मोदी सरकार जनता को दोनों हाथों से लूट रही है।
दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के डोरू निर्वाचन क्षेत्र और उसके आसपास के गांवों में लगातार बिजली कटौती के कारण हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच डोरू शाहबाद के लोगों, संगठनों, समितियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पीडीडी के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोगों ने कहा कि पिछले दो महीने से वो बिजली का संकट झेल रहे हैं। कई बार अधिकारियों से अपील की कि समय पर बिजली दी जाए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कश्मीर के जिला अनंतनाग के डाक बंगला थाना बल में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें किसानों के लिए केंद्र सहायता के लिए योजनाओं के संबंध में मेले का आयोजन हुआ। डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी इकबाल, एडीसी गुलजार अहमद और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर सैयद वसीम मौजूद रहे। इस दौरान मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए थे। कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ सांबा में रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कमेटी के सचिव संजीव शर्मा के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब जनता और किसान विरोधी सरकार है। इस रैली में पूर्व मंत्री रमन भल्ला और कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने भी शिरकत की। वहीं रैली के दौरान पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, वो अब सब हवा हवाई हो गए हैं। गैस के दाम एक महीने में 100 गुना बढ़ा दिए गए। ये केंद्र की मोदी सरकार गरीब जनता से कमाई करके अपने घर का खजाना भर रही है और बड़े उद्योगपतियों को खुश कर रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में आय का कोई जरिया नहीं है, लेकिन टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी आदि लगाकर जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा जा रहा है।